तो स्वागत है आपका पाठशाला में। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये बहुत पहले बताया गया था। अब स्टार्टिंग में कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में क्या बताए थे वो सुनो, ठीक है। ये जो मैं डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद इस नया डेफिनेशन को लिखवाया गया था। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने मतलब बताया था, तो हमने तब क्या बोला था कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्जेस को हम ना ही बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बराबर। एंड नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब सेम रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मानूँ, जब दुनिया बना था, सपोज जब दुनिया बना था, या फिर ये जो दुनिया है, इस दुनिया में 100 पॉजिटिव चार्जेस हैं, दैट इज 100 प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्जेस, एंड 100 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो नेट चार्ज कितना रहेगा बताओ? नेट चार्ज आ जाएगा मेरा, दैट इज +100 चार्जेस +नेगेटिव चार्जेस। तो नेट चार्ज 0 रहेगा, जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। अब क्या हो गया, ये सब स्टेटमेंट हमने लिख दिया, हम सब खुश हैं कि हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता है, हम दूसरे स्टडीज़ कर रहे हैं। आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन आने के बाद क्वांटम फिजिक्स का स्टार्ट हुआ। क्वांटम मतलब एटॉमिक लेवल में, डन। अब देखो, मैं वो सब कहानी पूरा नहीं बोलने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा चीज़ें बोलने वाला हूँ। आप लोग जो यूट्यूब में जो शॉर्ट्स वगैरह देखते हो ना, जो क्वांटम फिजिक्स वगैरह कुछ कुछ बोलते हैं ना, वो तो उसमें से मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। अब देखो, वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू ये सम सॉर्ट ऑफ 1945 में हुआ था, अगस्त में, जितना मेरे को याद है। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो तुमको भी याद पता ही है, वो क्या था? न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब यहाँ तक बातें खुश हैं हम, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में हेल्प किसने किया था? आइंस्टाइन ने। उन्होंने बताया था E=mc², इसी फॉर्मूले का प्रूफ उसने दे दिया था न्यूक्लियर बॉम्ब बना के। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ज़रा पहले इसको समझो। ये फॉर्मूला हमें कहता है कि एनर्जी और मास इक्विवेलेंट है। इस रिलेशन का ही नाम है एनर्जी मास इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंट। इसका मतलब होता है, व्हेन एनर्जी इज कंप्रेस्ड देन इट बिकम मास, ठीक है। मैं इसका मतलब लिखता हूँ, E=mc², इसका मतलब होता है कि व्हेन आ एनर्जी इज कंप्रेस्ड, जब हम एनर्जी को कंप्रेस कर देते हैं बहुत ज़्यादा, इट बिकम मास। सब कोई सुन के हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो गया। दूसरा, इसी का दूसरा स्टेटमेंट था, व्हेन मास एक्सप्लोडेड इट बिकम्स एनर्जी। जब मास एक्सप्लोड होता है तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब एज एनर्जी के फॉर्म में हम मास को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा। कितना जोर से एक्सप्लोड करना पड़ेगा? लाइट के स्पीड के जोर से, मतलब उस हिसाब से आपको तोड़ना होगा। और ये आइंस्टाइन ने प्रूव भी कर दिया था एटम बम को बना के, क्योंकि उसमें उन्होंने बस कुछ पार्टिकल्स लिया था, उसी को ब्लास्ट करवाया था। यहाँ तक बातें क्लियर है? वो भी प्रैक्टिकल, इस तरह डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑब्जर्वेशन आज तक नहीं हुआ। तो भाई, आइंस्टाइन का ये बात तो निकल गया, सब खुश। 1945 में बॉम्ब फोड़ दिया, सब जगह जय जयकार चल रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स चल रहा है हर जगह अभी। लेकिन ये तो बातें क्लियर है कि एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एनर्जी और मास सेम चीज़ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी को तुमने मास बना दिया, मास को एनर्जी बना दिया। सिमिलरली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी चल रहा था, ये भी ठीक है। क्वेश्चन आ गया तुम्हारे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर, ठीक है। और ये सोचने, एक ही दिन में नहीं सोचा, ये सोचते सोचते हमें लगभग 1950 तक डेट लग गए थे। 1950 में आके हम लोग को लगा, ये क्या, हम लोग इतना खुश हो रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे बात क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को लेके बात उठ गया, और यही से आपका चलता है क्वांटम फिजिक्स का फंडा। ध्यान देना, मैं एंडिंग में बता दूंगा। वो जो दिखाते हैं ना, जब कोई वो शॉर्ट्स वगैरह आता है ना आजकल, कि कोई एक इंसान यहाँ मर जाता है तो वही इंसान वही टाइम पे एक और जगह जन्म लेता है, इस तरह बहुत कुछ शॉर्ट्स मेरे फ़ोन में तो आते रहता है, तुम लोग भी देखे होंगे। तो उसका फंडा भी आज हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि वो है क्या चीज़। लेकिन उसके पहले मेरे को ज़रा एक्सप्लेन करने दो बढ़िया से, ठीक है।
तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो 1950 में हमें लगा कि यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि चार्जेस का कंजर्वेशन नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है बता रहा हूँ, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, चार्जेस अलग अलग दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब था किससे बना था? मटेरियल से, हाँ या ना? ये मटेरियल से बना था तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब। मटेरियल्स के अंदर क्या होते हैं बेसिकली? देखो यार, अगर तुम चार्जेस का फंडा, तुम्हें अगर अच्छे से याद होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो तुमने वहाँ पे क्या देखा था? जो चार्ज होते हैं ना, जो चार्ज होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मैं जब इस पेन को रब कर रहा था इस पेपर के ऊपर, तो जब मैं रब कर रहा था तो इस पेपर से क्या हो रहे थे? कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जा रहे थे, इस पेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे थे। तो उसके कारण में मेरा इस पेन का चार्ज क्या बन रहा था? मेरा पेन का चार्ज बन रहा था नेगेटिव, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वहाँ बन रहा था पॉजिटिव। तो मेन फंडा इलेक्ट्रॉन को लेके, तो इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है चार्ज क्या है। डन, प्रोटॉन से कोई मतलब ही नहीं है, उसका इफेक्टिव चार्ज बस में दिखता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, नाउ द क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल बना था, ये बॉम्ब था तुम्हारा, बॉम्ब बना है मैटर से, मैटर मटेरियल से बना है। मटेरियल के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई, जब हमने बॉम्ब फोड़ा तो मटेरियल के साथ इलेक्ट्रॉन भी तो फूटा। बात है, समझ आया? क्योंकि जब भी हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हैं ना, इतना गंदा वहाँ पे तहलका मचता है कि आपको वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स मिलते नहीं है, बॉम्ब के पार्टिकल्स कुछ नहीं मिलते आपको, बस वहाँ पे क्या मिलते हैं? रेडिएशंस और एनर्जी। देखो, रेडिएशंस ही मतलब एनर्जी होते हैं, ठीक है, रेडिएशंस ही एनर्जी होते हैं, ये बातें समझ लो अभी। अब जब बॉम्ब फटता है तो हम आसपास क्या होता है? खाली होता है, रेडिएशंस, पार्टिकल्स कुछ नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने एटम बॉम्ब को फोड़ा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए डिस्ट्रॉयड। अब जब इलेक्ट्रॉन, देखो मान लो कि हमारे नेचर में इनिशियली 100 पॉजिटिव चार्ज, 100 नेगेटिव चार्ज थे, उसमें से मैंने क्या कर दिया? मैंने एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉयड कर दिया। तो अभी नेचर में कितने नेगेटिव चार्ज? 99 बचे, एक को तो मैंने डिस्ट्रॉयड कर दिया, सपोज से कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, समझने के लिए। तो एक तो डिस्ट्रॉयड कर दिया मैंने, तो अभी बचे कितने नेचर में? 99। पॉजिटिव चार्ज कितने बच गए? 100 बच गए। अभी नेट चार्ज कितना हो गया? अभी तो तुम्हारा नेट चार्ज क्या? पॉजिटिव में आ रहा है, +1 में आ रहा है। तो भाई, अब कहा गया कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पे तो चार्जेस कंजर्व नहीं हो रहे। तो तब यहाँ पे हमने शुरू किया हमारा क्वांटम फिजिक्स का फंडा। और यहाँ पे ये जो नेट चार्ज पॉजिटिव आया, लेकिन हमें पता है भाई, अगर एनर्जी एनर्जी कंजर्वड है, मास कंजर्वड है, तो चार्जेस भी कंजर्वड हो गए, क्योंकि वो भी तो मासेस की तो प्रॉपर्टी है ना, चार्ज मैटर के अंदर होता है। तो ये कैसे कंजर्व नहीं हो सकता है? तो हमने यहाँ पे थ्योरीज बनाने शुरू करे। हमने यहाँ पे क्या दिया? बहुत सारे सपोर्टिंग थ्योरीज दिया, बहुत सारे हमने सपोर्टिंग थ्योरीज दिया। और उसमें से जो एक थ्योरी है वो है क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम का मतलब क्या होता है? ए क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज ऑन एनर्जी एंड मैटर, जो मैटर और एनर्जी के ऊपर स्टडी करता है। बस यहाँ पे अगर तुम देखो, मैटर और एनर्जी यही तो है ना चक्कर, तो यही होता है तुम्हारा क्वांटम फिजिक्स, जो इसके ऊपर डील करता है। अब देखो इससे क्या होता है, होता क्या है, ध्यान देना। तो सपोर्टिंग हमने कुछ थ्योरीज दी है, तो हमें पता है भाई, एनर्जी कंजर्व था, मास भी कंजर्वड ही था, बस एक फॉर्म से और एक फॉर्म में चेंज हुआ, तो चार्ज भी कंजर्वड होंगे। लेकिन यहाँ पे तो नेट चार्ज पॉजिटिव बता रहा है, तो वो तो चेंज हो चुका है। तो उसके लिए हमने बोला कि जब हमने ब्लास्ट किया था तो उसके साथ एक एंटी मैटर भी था। अगेन, एंटी मैटर क्या है, कैसा दिखता है, हमें नहीं पता। इसका प्रैक्टिकल मतलब फिजिकल एक्सपीरियंस हमने नहीं देखा, बट ये हमारा मानना है, इसलिए हमने इसको थ्योरीज दिया, ठीक है, सपोर्टिंग थ्योरीज। तो हमने क्या बोला, सपोर्टिंग थ्योरीज में है, ठीक है, कि व्हेन वी, ये थ्योरी है बस, व्हेन वी ब्लास्ट द पार्टिकल, जब हम पार्टिकल को ब्लास्ट करते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज़ मेड अप ऑफ, चार्जेस के टर्म पे लिख रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ खाली, ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट टाइम, एट दैट टाइम देयर मस्ट बी, वहाँ पे होना ज़रूरी है, ये कंपल्सरी है, होना ही होना है, नहीं तो अनबैलेंस होने ही वाला है, ठीक है। सो एट दैट टाइम देयर मस्ट बी आ एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल जो हमें प्रैक्टिकली आज तक नहीं दिखा, लेकिन वो था फॉर श्योर है, क्योंकि बैलेंस तो होना ही है ना। व्हेन वी ब्लास्ट ए पार्टिकल विच इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट टाइम देयर मस्ट बी ए एंटी पार्टिकल कॉल्ड एज
पॉजिट्रॉन, हमने उसका नाम दे दिया पॉजिट्रॉन, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ चक्कर था इलेक्ट्रॉन को लेके, वो बेचारा चार्ज को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, तो हमने उसका नाम दे दिया पॉजिट्रॉन। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो हमने यहाँ पे एक नाम दिया, उसका नाम क्या था? पॉजिट्रॉन। एक एक सपोर्टिंग थ्योरी है कि वहाँ पे पॉजिट्रॉन था। फिर से बता रहा हूँ, आज तक हमने ना ही केमिस्ट्री में ना ही कोई जगह में इस पार्टिकल को देखा है, बट हम लोग 99.9% श्योर है कि ये पार्टिकल एग्जिस्ट होता है। जैसे जैसे हमारा साइंस एडवांस होते रहेगा, हम एक दिन इसको ढूंढ लेंगे कि पॉजिट्रॉन होता है। डन, इसको नहीं ढूंढ पाए तो कुछ और ढूंढ लेंगे, बट ढूंढ तो लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक चीज़ तो था, क्योंकि फिजिक्स कभी गलत नहीं होता है, याद रखना। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, अब हमने उसका नाम दे दिया पॉजिट्रॉन, यही है तुम्हारा एंटी पार्टिकल। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, इसी के आधार पे हमने बताया कि भाई देखो, अगर एक एंटी पार्टिकल भी है तो इसी के आधार पे हमने दो लॉ बनाए। एक होता है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है तुम्हारा संहार करना। संहार मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेट। ठीक है, एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है? संहार या फिर डिस्ट्रॉय करना, उसी का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है। एनिहिलेशन का मतलब होता है इंग्लिश वर्ड। तो न्यूक्लियर जब रिएक्शन होता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनिहिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे नेट चार्ज का प्रॉब्लम आया था, तो हमने बोला यहाँ पे जब तुम्हारा जब एटम बॉम्ब फूटा था, जब वो इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट हुए थे ना, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट हुए थे, तो फॉर श्योर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन था, वो भी उसके साथ ही फूटा है, वो भी उसके साथ ही एनिलेट हुआ है, मतलब ख़त्म हो गया उसके साथ ही। ठीक है, ये हमारा सपोर्टिंग थ्योरी है। हमने अभी तक पॉजिट्रॉन को नहीं देखा है, इलेक्ट्रॉन हाँ हमने देखा है, बराबर। तो हमने क्या बोला, एनिलेशन में क्या होता है, अगर हमें चार्जेस को बैलेंस रखना है यूनिवर्स में, तो देयर मस्ट बी ए पार्टिकल अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन विच गेट एनिलेट या फिर डिस्ट्रॉयड इन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो हमने क्या बोला कि इसीलिए ये हम लोग का मानना है, थ्योरी है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन था, वो भी डिस्ट्रॉयड हुआ और हमें क्या दिया, एनर्जी दिया। ये जो एनर्जी है, ये कौन सा एनर्जी था? गामा, गामा, गामा रेडिएशंस। और ये सबसे डेडली रेडिएशंस होते हैं, और यही कॉज करता है म्यूटेशन। वो जो तुम्हारा हिरोशिमा में जो म्यूटेशन होता है, इसी के पीछे होता है, गामा रेडिएशंस के पीछे होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमने सपोर्टिंग थ्योरी में दिया कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी मैटर पॉजिट्रॉन वो भी उड़ा होगा साथ में, तो हम लोग का नेट चार्ज पॉजिटिव है, मतलब जीरो है। कैसे है देखो, अगर हमने बॉम्ब को फोड़ा अगेन, ठीक है वो भी बताऊंगा, चलो अगेन हमने जब बॉम्ब को फोड़ा, डन, तो इलेक्ट्रॉन तो 99 हो गए, एक उड़े, तो हमने बोला एक और एंटी मैटर था, वो पॉजिटिव में था। ठीक है, ये तो सारे प्रोटॉन के चार्जेस है। देखो मैंने जो यहाँ पे 100 लिखा, 100 100 प्रोटॉन, 100 न्यूट्रॉन, 100 पॉजिटिव चार्ज, 100 नेगेटिव चार्ज, मैंने बोला था क्या कि ये 100 प्रोटॉन्स हैं? नहीं ना, तो चार्जेस हमेशा प्रोटॉन्स पे ही नहीं होते, पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन पे भी होते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, एंटी मैटर है, समझ रहे हो ना? तो ये 100 100 में हम मान लो कि कुछ 20 पॉजिट्रॉन थे, कुछ 80 प्रोटॉन्स के चार्जेस थे, टोटल यूनिवर्स का चार्ज लिखा था मैंने। तो इस केस में जब मैंने एनिलेट किया था, एटम बम फोड़ा था, तो उसमें से एक पॉजिट्रॉन भी उड़ गया था। इसका मतलब क्या रहेगा, ए भी कितना हो गए होंगे, 99 ही हो गए होंगे, एक पॉजिट्रॉन उड़ गया होगा। तो अभी क्या है, अभी फिर से नेट चार्ज जीरो हो चुका है, मतलब बैलेंस हो चुका है। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो एक और जो मैं इंपॉर्टेंट नोट आपको बताना चाहता हूँ इसमें, तो यही होता है एनिलेशन बेसिकली। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेंगे फिर उस नोट को बताएंगे। तो एनिलेशन क्या होता है, इन सपोर्टिंग आवर कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब, खास करके न्यूक्लियर बॉम्ब में, न्यूक्लियर फिजन में कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में ये प्रॉब्लम हुआ था, फिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो डीके होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, इन सपोर्टिंग आवर कंजर्वेशन लॉज फॉर योर चार्जेस इन न्यूक्लियर बॉम्ब, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन गेट डिस्ट्रॉयड अलोंग विथ इट, इसी के साथ में ए पॉजिट्रॉन ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, बराबर, उसी के साथ में पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉयड होता है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि अभी इस हिसाब से हमारे पास नेचर में दो जन के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक है प्रोटॉन के पास और एक है पॉजिट्रॉन के पास। प्रोटॉन हमने देखा है, पॉजिट्रॉन हमने नहीं देखा है। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे तो हमने 100 चार्ज माना था, लेकिन तुम्हें क्या पता कि ये प्रोटॉन का चार्ज है कि पॉजिट्रॉन का चार्ज है? तो दोनों अलग अलग चीज़ें, जो मैंने 100 माना था, इसमें कुछ प्रोटॉन के भी चार्जेस थे, कुछ पॉजिट्रॉन के भी चार्जेस थे, डन, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स का चार्ज मैंने माना था, बराबर है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेट डिस्ट्रॉयड अलॉन्ग विथ
पॉजिट्रॉन्स, याद रखना पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट थिंग्स, आर डिफरेंट थिंग्स, यही से शुरू होता है सारे गड़बड़ी है। अब देखो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या है, एक फिजिकल मैटर है, ये एटम के अंदर अवेलेबल होता है। जो पॉजिट्रॉन है वो एक एंटी मैटर है, आज तक हमने देखा नहीं इसलिए इसका नाम एंटी मैटर डाल के रखा है। जो भी हमने आज तक देखा नहीं वो एंटी मैटर है, जैसे इंसान मरने के बाद दोबारा पैदा होता है नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं, वो भी एक एंटी मैटर टाइप का है, पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन हाँ ये थ्योरी कहता है। अगर ये थ्योरी में अगर ये पॉसिबल हो सकता है कि पॉजिट्रॉन आके रिएक्शन को बैलेंस कर सकता है, तो अगर हम देखें लार्ज स्केल में, हम इंसान भी एक पार्टिकल है, अगर हम एक पार्टिकल हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों का भी सेटलमेंट तो कन्फर्म होता होगा ना कोई पैरेलल यूनिवर्स में, आया बात समझ में। तो यहाँ पे देखो हम लोग का यूनिवर्स में नहीं होता, दैट इज़ फॉर श्योर, तो हम लोग पैरेलल यूनिवर्स में बोलते हैं उसको, कि और कोई जगह में होता होगा, क्यों, यही तो क्वांटम फिजिक्स का रूल है, यही से तो शुरू हुआ ना एंटी मैटर वगैरह उठा के चीज़ों को एक्सप्लेन करना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रीबर्थ होता है अकॉर्डिंग टू आपका क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आई होप आपको आइडिया मिल चुका होगा थोड़ा बहुत कि वो होता क्या है, तो आप चाहे तो उस पर ज़्यादा सोच सकते हो बैठ के, और नहीं होता है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, एक रात भर बैठ के हम सोचेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब फालतू बातें बंद करते, आगे बढ़ते, ठीक है। इन सपोर्टिंग और कंजर्वेशन, तो ऐसा बोला पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट थिंग्स, पॉजिट्रॉन एंटी मैटर है, प्रोटॉन एक फिजिकल मैटर है, वो होता है हमारे पास, ठीक है, हमने देखा है इसको, देखा है मतलब इसका हमें प्रैक्टिकल एविडेंसेस मिले हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह में मिलते हैं, फिर रिएक्शंस में हमें मिलता है इसका पार्टिसिपेशन, तो एक फिजिकल मैटर है। यहाँ तक बातें क्लियर है। एक और चीज़, हमने जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को माना था, उसके एक और टर्म में यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैज सेम मासेस, दैट इज तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ पॉजिट्रॉन, ये क्या होता है, सेम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रहना चाहिए, दैट इज 9.1 × 10⁻³ होता है, दोनों का सेम मास होता है। एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और तुम्हारा पॉजिट्रॉन क्या होता है, तुम्हारा पॉजिट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये तो हमने एक फंडा साबित कर दिया। अब देखो दिक्कत ये हो गया, अगर ये सही है, मतलब अगर पार्टिकल टूट के एनर्जी बन सकता है, तो एनर्जी से भी पार्टिकल बनेंगे। ये देखो यहाँ पे तो हमने पार्टिकल को तोड़ के एनर्जी बनाया था, रेडिएशंस बनाया है, तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, दैट इज़ रेडिएशंस मिलके एनर्जी बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। अब ये पेयर प्रोडक्शन हमें क्या कहता है समझो, ये कहता है व्हेन हाई एनर्जी, जब हाई एनर्जी रेज स्ट्राइक अ हैवी मेटल, जैसे आपका गोल्ड हो गया, फिर आपका प्लैटिनम हो गया, वो सारे, ठीक है, वो इन्हें हाई एनर्जी रेज, दैट इज योर गामा रेज, स्ट्राइक अ हैवी मेटल, देन प्रोडक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। अब देखो क्या इसमें भी नेट चार्ज जीरो होता है यूनिवर्स का, देखते हैं अभी। तो ये मान लो मेरे पास एक प्लैटिनम है, हैवी मेटल है, अब यहाँ से कुछ गामा रेज आ रहा है, जैसे ही ये गामा रेज आएंगे, देखो गामा रेज बहुत ही फास्ट होता है, वो अर्थ के आर पार निकल सकता है, तो मान लेते हैं कि हैवी मेटल है जिसके अंदर ये गामा रेज आया, स्ट्राइक होकर इसके अंदर ट्रैप हो गया। अब जैसे ही एनर्जी इसके अंदर ट्रैप्ड हो गया, मतलब क्या, एनर्जी कंप्रेस्ड हो चुका है। अब जब एनर्जी कंप्रेस्ड हुआ है, तो अगेन आइंस्टीन का इक्वेशन क्या कहता है, कि वो मास में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे कौन से मासेस बनेंगे, तो हमने बोला कि यहाँ पे अगेन एक पॉजिट्रॉन बनेगा, एक आपका इलेक्ट्रॉन बनेगा, डन। अगेन नेट चार्ज क्या होगा, पहले यूनिवर्स में अगर आपके 100 नेट चार्ज रहे थे, तो ये दो बनने के बाद क्या हो जाएगा, 101। पहले अगर 100 था यूनिवर्स में चार्जेस सब मिला के, तो जब ये दो, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना, अब पॉजिटिव चार्ज कितने, 101 हो गए, नेगेटिव चार्ज अगेन 101, नेट चार्ज क्या है, अगेन जीरो है, माइनस करोगे जीरो आएगा, तो डन। तो ये था आपका वो कंडीशन, पेयर प्रोडक्शन ये होता है। इसका मतलब है जब गामा रेज स्ट्राइक होते हैं कोई भी हैवी मेटल में, ठीक है, हैवी मेटल है यहाँ पे, हैवी मेटल, तो वो क्या होता है, उसके अंदर ट्रैप्ड होते हैं, हमारा मानना है कि ट्रैप्ड होता है, तो और क्या क्या बनाता है, वो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाता है। इसके साथ एक और चीज़ भी निकलता है, उसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो,
इसका बात करेंगे हम बाद में जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाले होंगे, मतलब थोड़ा बहुत है न्यूक्लियस में चैप्टर में, तो वहाँ बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, इतना कुछ छेड़ लिया हमने, इनफ है डन। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो पेयर प्रोडक्शन एनिहिलेशन क्या होता है हमें आइडिया मिल चुका है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमने एक नया डेफिनेशन बनाया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस फंडा को देखते हुए हमने एक नया डेफिनेशन बनाया जो कि मैं अभी लिखना चाहता हूँ। तो 1950 के पहले आपका जो बुक में डेफिनेशन दिया था वही वही है, ठीक है। लेकिन 1950 के बाद में हमने इस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के डेफिनेशन को चेंज किया, ठीक है। तो 1950 के बाद में डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसकी उसी के बाद में, ठीक है। तो तब इस स्टेटमेंट को चेंज किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के स्टेटमेंट को, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इसके स्टेटमेंट को चेंज किया गया। इसमें क्या बोला गया, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड अलोन। हम इन्हें अकेला एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक पॉजिटिव चार्ज को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट कैन बी डन इन पेयर, बट कैन बी डन इन पेयर्स। पेयर्स मतलब क्या, वही आपका पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इस तरह अगर पेयर में हम इसको कर सकते हैं, एंड नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, एंड नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब चेंज नहीं होता है। अब देखो इसमें ना तुम अगर बहुत गहराई में सोचोगे ना, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल में, तो सोचो एक बार कि सपोज हमने यहाँ पे एक एटम बम फोड़ा, पार्टिकल्स टूट गए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ख़त्म हो गए, चार्जेस हो गया 99 99, नेट चार्ज 0 है। यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा होता है हमारा यूनिवर्स कि वही एक पर्टिकुलर वही सेम टाइम पे कोई गामा रेज जाके कोई एक हेवी प्लैनेट हो सकता है ना, कोई प्लैनेट ही प्लैटिनम का बना हो, उसके साथ जाके वही गामा रेज एक कोई एक गामा रेज जाके स्ट्राइक हो जाए। स्ट्राइक होने के बाद वहाँ पे एक पॉजिट्रॉन वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना दे, तो अगेन वही चार्जेस बन गया ना। तो ऐसे करके हम सोचते हैं कि हाँ पूरा बैलेंस्ड होता है, क्योंकि हमें इस यूनिवर्स के बारे में सच में कुछ पता ही नहीं है, हम बस इसको जानना चाहते हैं, डन। तो न्यूक्लियर फिजिक्स खास करके बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर, लेकिन मेरा पर्सनली काफ़ी फेवरेट रहा है चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स वाला। तो आप लोग भी इस पर थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़, क्योंकि इसमें एंटी मैटर आ चुका है, क्योंकि अभी जैसे देखो ना हर चीज़ को हम ना एंटी मैटर में तोड़ते हैं, जैसे बोलता है ना अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स देयर इज टू वेज एंड वी चूज वन वे। क्यों, एंटी मैटर नेगेटिव है, मैटर पॉजिटिव है, कोई एक को हम चूज करते हैं यार, समझ रहे हो। उसी तरह भूत प्रेत, आजकल हर कोई क्या होता है क्वांटम फिजिक्स का नाम लेके भूत प्रेत समझा रहा होता है। तो मैंने आपको जितना हो सके एक छोटा सा वीडियो के अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नया लॉ के बना, मतलब नया लॉ के रिफॉर्म के हिसाब से मैं जितना आपको क्वांटम फिजिक्स थोड़ा बहुत समझा पाऊँ मैंने ट्राई किया है। तो डन। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद 1950 में आपका ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस था इसका नया लॉ को बना दिया गया, और लॉ मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड अलोन, अकेला नहीं कर सकते, बट इट कैन बी डन इन पेयर्स, दैट इज पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। डन। तो यहाँ पे हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मतलब जो चार्जेस था वो चेंज कर दिया गया, इसमें दो प्रॉपर्टी एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन, ये हमने दोनों देखा है। तो इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।